इश्क क्या है और ये इश्क लफ्ज कहाँ से आया, चलिए आपको बताता हूँ। इश्क ये लफ्ज अरबी से है और इसे इश्क नहीं कहते, अशका कहते हैं। अशका एक बैल होती है, अक्सर घने जंगलात में पाई जाती है। ये बैल किसी ऐसे दरख्त को ढूंढती है जो मुकम्मल हरा भरा हो और जोबन पर हो। ये बैल उस दरख्त को नीचे से लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त को इस दरख्त के गिर्द नीचे से ऊपर तक तकरीबन हाबिज हो जाती है। अब दरख्त बेचारा रोज रोज कमजोर होता जाता है, बाहर से तना सड़ना शुरू हो जाता है, पत्ते जड़ने लग जाते हैं, शाखें टूट कर गिरने लगती हैं और देखते देखते ही दरख्त का कुछ नहीं रहता। कोई नहीं कह सकता कि ये वही दरख्त था जो अभी चंद दिन पहले इतना हरा भरा था। बस जब अशका बैल ये हाल देखती है दरख्त का तो उस दरख्त को खुद आराम से छोड़ देती है। अब मिरेकल होता है, वो सड़ा हुआ जड़ा हुआ दरख्त फिर से कोंपने निकालने लगता है और इसमें जिंदगी दौड़ने लगती है। उसके तने पर खूबसूरत और ताज़ा चाल आ जाती है और वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। बस इश्क की भी यही कहानी है, ये इंसान के साथ अशका बैल की तरह चिमट जाता है और उसका कक नहीं छोड़ता। लेकिन फिर यही इंसान एक मजबूत मोहब्बत वाला खिदमत वाला फरमाबरदार बंदा बनकर दोबारा जिंदा होता है।